हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो ज़रूर बताइएगा। और मैं सुबह के 11:30 बज चुके हैं, मैंने अभी तक लंच नहीं बनाया है। तो कौशिक की सेकंड ड्यूटी है, तो मैं सिंपल सा लंच बनाऊंगी, उसमें गुजराती दाल और सिंपल सा लंच होगा हमारा। तो मैं दाल की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। और आज मैंने जो अमेज़न से शॉपिंग की थी वो सब आ चुका है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आज के ब्लॉग में। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गुजराती दाल बनाने के लिए हमें चाहिए तुअर दाल, इसे आप अरहल की दाल भी बोल सकते हो। यहाँ मैंने एक बड़ा कटोरी ले लिया है, उसको मैंने भिगो दिया है पानी में। यहाँ मैंने मूंगफली ले ली है, उसकी हम पोटली बना लेंगे। और दाल में डालने के लिए हमें एक लेमन अभी नहीं डालना है, बाद में डालेंगे। ये टमाटर लिए है, हरी मिर्च है, अदरक और लौंग है एक, और करी लीव्स है, इतना हमें दाल में ही डाल देना है। हल्दी ले लेनी है हमें और नमक डाल देंगे। पानी डालकर इसे उबालने के लिए छोड़ देंगे हम। ये पोटली भी डाल देंगे। हमारी दाल उबल गई है, इसमें मैंने ब्लेंडर चला दिया है और ये लेमन जूस डाल देंगे इसमें, और ये गुड़ डाल देंगे, मूंगफली डाल देंगे। इसे उबलने के लिए रख देंगे हम दूसरे गैस पर। दाल के तड़के के लिए हमें चाहिए सूखी लाल मिर्च ले ली है, करी लीव्स है, हींग है, रेड चिली है और लौंग है। राई हमारी यहाँ चटक गई है, इसके बाद हम जीरा डाल देंगे, सूखी मिर्च और लौंग डाल देंगे। पांच मिनट तक हमें इसे उबाल लेना है। यहाँ हमारी गुजराती दाल सर्व करने के लिए रेडी है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, 2 बजने वाले हैं और वेद ट्यूशन जा चुका है और कौशिक भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तो मैंने जो अमेज़न से शॉपिंग की थी, मैंने सोचा चलो आपके साथ ये दिखा दूँ आप लोगों को कि मैंने क्या क्या मंगाया है। 2 ही चीज़ें हैं, एक तो मिक्सी और दूसरा है ट्राईपोड, वो मैं लगा के रखा है। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये अनबॉक्सिंग वीडियो कह सकते हो आप इसे। मेटालिस कंपनी का है और मैंने पहले देख लिया था इसे खोलकर कि कोई खराबी हो तो हम उसे वापस भेज सकते हैं। ये बुक आती है इसके साथ, 2 ही पेज है इसमें और ये नहीं दिखाई देता। 3000 में 1 रुपीज़ भी कम है और इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे इसलिए मैंने परचेज कर लिया। ऐसी बोली है इसकी, और आपकी किचन में जगह भी नहीं रोकने वाला, कलर भी अच्छा है। इसके साथ हमें ये 3 जार भी मिलने वाले हैं स्टेनलेस स्टील के, और ये अंदर है ऐसा, ये सबसे बड़ा है, ये छोटा है इससे, और ये चटनी वाला जार है, ये इसका लेड ये है और इसका ये वाला और इसका ये प्लास्टिक कंटेनर में मुझे ये 3 है, ये जूसर है और ये वाला। और चटनी के लिए ये 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 और
ये वाला भी चल सकता है, ज़्यादा बनानी हो तो। बाकी दो छोटा जैसे काम आने वाले हैं, ये वाला और ये वाला। और इसका ऐसे निकालते हैं ऐसे। और ट्राइपॉड ये है, इसके लॉक दिए गए हैं, ये दिखाती हूँ आपको खोलकर। ये छोटा हो गया, इसे आप कहीं भी कैरी कर से साथ ले जा सकते हो। जो मेरी पुरानी वाली मिक्सी है ना, वो उठक के मार कर चल रही थी, अभी 11 साल तो अच्छी तरह चला। ये 1 साल से मुझे बहुत परेशान कर रखा था उसने, तो मुझे लेना पड़ा। और आज ब्लॉग बनाते बनाते 3:30 बज चुके हैं, और वीद भी ट्यूशन से आ गया है। और जब मैं दोपहर को सोती नहीं हूँ ना, तब मुझे चाय चाहिए होती है, तो मैं आज चाय पीऊँगी। और चलो मैं बनाती हूँ चाय, आप लोग भी पी लीजिएगा हमारे साथ। देखो इस बच्चे को, फ्री फायर खेल रहा है, देखो ऑनलाइन है। ऐसा ही चलता है वेद का, क्यों? सैटरडे एग्जाम है कंप्यूटर की, है ना? तो पढ़ाई करना बैठना है अभी? अभी नहीं, शाम को बैठना। शाम को कब? अभी ही बैठना है। अभी है नहीं, जा रहा है खेलने। चलो हमने डिनर कर लिया है, 8:30 बज चुके हैं, तारक मेहता चल रहा है। तो चलो इस वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।